Okay, so for the pineapple upside down, you require this spring form tin. ठीक है, स्प्रिंग फॉर्म टिन चाहिए क्योंकि इस केक को आप पलट नहीं सकते हो, आपको इसी तरीके से इसे ओपन करना पड़ेगा. क्लियर? तो आपको ये वाला स्प्रिंग फॉर्म टिन चाहिए, राइट? तो ये जो रेसिपी दी हुई है, दिस इज फॉर योर 7 इंचेस केक टिन. या तो 7 इंच लो या 8 इंच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 7 इंच में थोड़ी सी हाइट ज़्यादा आएगी, 8 इंच में थोड़ी हाइट कम आएगी. क्लियर? जो भी अपसाइड डाउन आपने अगर खाए होंगे मार्केट में, आपने देखा होगा ये टी केक की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती. ठीक है, थोड़ा सा ये वाला केक डेंस ही बनता है, राइट? तो अब इसके लिए आप लोग ने अगर यूट्यूब पे रेसिपी देखी होगी तो उसमें ये लिखा होगा, पहले आपको कैरमलाइज्ड करना पड़ेगा ब्राउन शुगर. हम वो काम ना करके हम सब कुछ इसी टिन में करेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रीस 7 इंच राउंड केक टिन. 7 इंच या 8 इंच आप दोनों लिख लो, दोनों में ये रेसिपी अच्छी बनती है. हाँ, नॉर्मल केक भी बना सकते हैं. नहीं 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 नहीं, नॉर्मल केक बनाने के लिए अगर आपको लग रहा है आपका बैटर बहुत थिन बन रहा है, अगर ऐसा इन दैट केस, तो इसमें पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगा लो. क्लियर? नॉर्मल केक तो बन ही जाएगा, बट इस केक के लिए तो यही चाहिए आपको. उसके बाद आप देखो क्या लिखा हुआ है, या तो नीचे आप ब्राउन शुगर और बटर को साथ में मिक्स करके डाल दो, या फिर मैंने नीचे बटर डाल दिया और इसके बाद कैरमलाइज करने के लिए मैं ऊपर इसमें ब्राउन शुगर डालूंगी. ठीक है, दिस इज ब्राउन शुगर. क्लियर? ब्राउन शुगर मार्केट में जो मिलती है दो ही तरीके की मिलती है. एक वो मिलती है एकदम ग्रैनुलेटेड फॉर्म में मिलती है, दैट इज एक्चुअली नॉट अ ब्राउन शुगर, है ना? वो ब्राउन शुगर नहीं है. अगर कभी उसे मिक्सी में चलाओगे ना, देखना कि पाउडर अलग आ जाएगा, सफ़ेद चीनी अलग आ जाएगी. तो ये बिल्कुल ऐसी ब्रेकफास्ट शुगर की कंसिस्टेंसी पे आती है. ठीक है, ये पाउडर फॉर्म ही, ये दिस इज नॉट अ पाउडर, ये वैसी फॉर्म है जैसे कैस्टर शुगर है ना, ये आप फील करो हाथ में, ये वो वाली चीनी है जब मार्केट में आप टी और कॉफी ऑर्डर करते हो ना, जो सैशे आता है, तो सैशे में आजकल आता है ना एक कॉफी शुगर एक ब्रेकफास्ट शुगर. तो ब्रेकफास्ट शुगर इज अ वाइट शुगर, दैट इज ब्लीच्ड शुगर, दिस इज अनब्लीच्ड शुगर, दिस इज एक्चुअली अ वेरी हेल्दी शुगर. अगर घर में भी अपना चीनी का कंटेंट जो है वो यूज करते चाहिए, हाँ, तो हमारे घर में तो वाइट शुगर की जगह इफ यू विल यूज दिस, ये ज्यादा अच्छी है. तो इज देयर एनी पर्टिकुलर ब्रांड व्हिच इज गुड इन ब्राउन शुगर? डी मरारा इज गुड, ट्रस्ट इज गुड. सो दिस शुगर, दिस ब्राउन शुगर इज नॉट ग्रैनुलेटेड, इट इज अ पाउडर्ड फॉर्म. दिस इज नॉट अ ग्रैनुलेटेड वन, आई एम सेइंग कि मार्केट में ग्रैनुलेटेड भी आती है, आपको वो वाली नहीं लेनी है, आपको ये वाली लेनी है. ठीक है, इसके ऊपर कॉफी शुगर लिखा हुआ होता है. किसी और से. ठीक है, ये इस तरीके से मैंने एक ब्राउन शुगर से वो बटर को कोट कर दिया है, कवर कर दिया है पूरा. अप्रोक्सीमेटली 2 टेबल स्पून है ना. अब उसके बाद अब आपने ये जो भी आपके स्लाइसेस हैं इन्हें आप अरेंज करोगे इसके ऊपर. आप लोग के आने से पहले जो लोग पहले आ गए थे, मैंने उन्हें ये बताया था कि अगर इसी को आपको एप्पल सिनेमन अपसाइड डाउन करना है तो व्हाट यू विल डू, जस्ट पील वन एप्पल, फ्रेश एप्पल, बीच में एक वो होलर आता है ना जिसमें से सीड्स निकल जाते हैं, वो हटा लोगे, पतले पतले स्लाइस करोगे एंड बस पाइनएप्पल विल बी रिप्लेस विद द एप्पल्स, राइट? इन दैट केस आपकी रेसिपी में जो पाइनएप्पल एसेंस दिया हुआ है दैट विल बी रिप्लेस विद मिक्स फ्रूट एसेंस. एप्पल एसेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मिलना, तो मिक्स फ्रूट एसेंस से रिप्लेस कर देना. कलर इज योर चॉइस, व्हाइट बनाना है तो कोई कलर मत डालो, येलो बनाना है एप्पल वाला तो येलो कलर डालो. ठीक है, तो ये मैं डालने के बाद आप लोग को एक बार पास कर दूंगी टिन. जब 8 इंचेस वाला लेते हो ना उसमें ये साइड में भी पूरा पूरा आ जाता है स्लाइस. ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर ये जो डी सीडेड चेरीज आती है ना, मैंने उसे हाफ में कर लिया, उन चेरीज को मैं बीच में लगा ले रही हूँ. ये आपके ऊपर है, आपको ये करना है तो ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए. ठीक है, तो ये हमारा टिन रेडी हो गया. एक बार अगर देखना चाहो सब लोग पास सब वो कर दो फ्रीजर में.
अब सबसे पहले यही रेसिपी रेडी कर लिए तो यही रेसिपी का बैटर बना लेते हैं, क्लियर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पाइनएप्पल अपसाइड डाउन। उसके लिए आप देखो, अब सेकंड स्टेप हम शुरू कर रहे हैं। सेकंड स्टेप के लिए हमें क्या करना है, फॉर द बैटर सीव ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स गिवन है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या दिया हुआ है, मैदा, मैदा कितना है 1 कप, ठीक है। बेकिंग के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बेकिंग कभी नहीं करी, कभी नहीं करी, चलो कोई बात नहीं। तो आपको जब भी आप बेकिंग शुरू करोगे, दो चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी। वन इज दीज मेजरिंग कप्स एंड द सेकेंड वन इज द मेजरिंग स्पून। अब ये कैसे है एक बार ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज 1 कप, दिस इज हाफ, 1/3 एंड 1/4। जो 5 का सेट आता है, जो प्लास्टिक वाले में आता है, उसमें 1/8 भी आता है, स्टील वाले में 1/8 नहीं आता। सेम विद द स्पून्स, दिस इज 1 टेबल स्पून। रेसिपी में दिया होगा TBSP, दैट मीन्स टेबल स्पून। नेक्स्ट इज 1 टी स्पून, देन 1/2 टी स्पून एंड देन 1/4। प्लास्टिक वाले में 1/8 भी आता है, क्लियर। ये इसके बिना बेकिंग इज नॉट पॉसिबल, क्लियर। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीव ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैदा। अब मेजर करने का तरीका क्या है, इस तरीके से आप डालोगे और उल्टा करके ये स्पून से आप इसे लेवल कर लोगे। दिस इज योर परफेक्ट 1 कप, क्लियर। टैपिंग नहीं करनी है, स्पून से पोर नहीं करना है, तो ये आपका 1 कप हो गया। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कॉर्नफ्लावर। अच्छा, इसमें है ना नेचुरल आपको येलो कलर चाहिए ना, तो इंस्टेड ऑफ कॉर्नफ्लावर यू कैन ऐड वेनिला कस्टर्ड पाउडर ऑल्सो, उससे फ्लेवर और अच्छा आता है, ठीक है। तो अगर है कॉर्नफ्लावर, अगर कस्टर्ड पाउडर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यू कैन यूज कॉर्नफ्लावर ऑल्सो। तो ये मैं कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून दिया होगा आपकी रेसिपी में, दिया हुआ है 1, लेवल करके 2 टेबल स्पून ऑफ वेनिला कस्टर्ड पाउडर। नेक्स्ट आपकी रेसिपी में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दिया होगा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सारी एगलेस बेकिंग्स में जाते हैं, विदाउट दिस बेकिंग इज नॉट पॉसिबल। एक चीज नहीं जाएगी, दोनों जाएगी। बेकिंग पाउडर इज 1 टी स्पून दिया हुआ है, 1 टी स्पून। तो ये 1 टी स्पून मैंने लेवल करके बेकिंग पाउडर ले लिया और बेकिंग सोडा आपका 1/2 टी स्पून दिया होगा। तो ये आपका 1/2 टी स्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा, ठीक है। एक रेसिपी मैं बनाऊंगी, उसके बाद आप सब लोग आके यहाँ पे एक एक रेसिपी बनाओगे, ठीक। उसके बाद देखो, अब आपके सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें हो गए, डन। ये सीव जो करते हैं एरेशन के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है, और अगर बाय चांस कुछ है भी तो वो भी निकल जाएगा। अब ये रख दिया हमने साइड में। नाउ कम टू द वेट इंग्रेडिएंट्स। वेट इंग्रेडिएंट्स में आप देखो क्या दिया हुआ है, मिक्स शुगर एंड कंडेंस मिल्क। आज की क्लास में अगर चीनी की बात हो रही है तो कैस्टर शुगर की बात हो रही है। कैस्टर शुगर के बारे में किसी नहीं पता है, नहीं पता है। ये एक बार जो मैंने आपको बताया था ना अभी, ब्राउन शुगर कॉफी शुगर के नाम से, और दूसरी जो सफेद कलर की चीनी ब्रेकफास्ट शुगर मिलती है, ये वो चीनी है। हाथ में लेके आप लोग फील कर लो। अरे वो कहाँ है, चरखी कहाँ है, चरखी कहाँ है, ये पाउडर शुगर नहीं है। दिस इज नॉट अ पाउडर शुगर, इट्स डिफरेंट। जो गुड़ा होती है वो है क्या? नहीं, गुड़ा तो पाउडर शुगर होता है। पाउडर शुगर इज डिफरेंट एंड बूरा इज डिफरेंट। पाउडर शुगर और बूरा को कभी कंबाइन मत करना। जब वो बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, तब बूरा डालते हैं। उसको सफेद शुगर मिलता है। इसके अपने जो बेकिंग में 3 नाम होते हैं, ब्रेकफास्ट शुगर, बेकिंग शुगर एंड कैस्टर शुगर। दीज 3 आर द नेम ऑफ अ सेम शुगर। ये वही चीनी है।
पैकेट के ऊपर ब्रेकफास्ट शुगर लिखा हो, कैस्टर लिखा हो या बेकिंग शुगर लिखा हो, तो ये वही चीनी है। ये हमेशा ऐसी रहेगी, 10 साल बाद भी ये बॉक्स खुलेगा ना, इसमें ना तो कोई लम्स पड़ेंगे और ना ही इसमें कुछ ऐसा होता है ना जैसे ग्रैनुलेटेड वाली चीनी है चिपक जाती है पाउडर शुगर में लग, ये हमेशा ऐसी रहती है चीनी। ठीक है, सो यू हैव टू यूज दिस शुगर। ये कम मीठी होती है, बहुत कम मीठी कंपैरेटिवली टू योर ग्रैनुलेटेड शुगर। याद रखना आइसिंग शुगर इज डिफरेंट। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केट में लेने जाते हैं, बोलते हैं बेकिंग वाली चीनी उठा के दे दो, तो वो आइसिंग भी दे देते हैं। आइसिंग शुगर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, वो लगेगी बुरा है सफेद, पर वो भी जहाँ यूज होनी है वही यूज होनी है, क्योंकि आइसिंग शुगर में सिर्फ चीनी नहीं होती, कॉर्नफ्लावर एडेड होता है, बहुत सारी चीजें एडेड होती हैं, तो पर वो आइसिंग में यूज होती है, नॉट फॉर द बेकिंग पार्ट। क्लियर? अब हम करते हैं अपना थर्ड स्टेप, इन विच वी हैव टू बीट शुगर इन कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क हमारा कितना दिया हुआ है, हाफ कप। इसमें आप ये चीज देखो कि आपका है ना चीनी बहुत कम है, क्यों? क्योंकि मिल्क मेड में चीनी है ना। क्या करना, मिल्क मेड इज मोर इजियर, मतलब ये मिलना ज्यादा इजी है मिठाई मेड से। अच्छा ये अच्छा ये 1/4 कप है, ठीक है, तो आधे कप के लिए मैं ये दो बार लूंगी, है ना। मेजर करके अच्छे से पहले निकाल लो एंड देन ऐड योर अनदर। आपने पूरा ऊपर तक नहीं गया? नहीं, ऊपर तक भरा, इससे ऊपर भरती तो गिर जाता। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपकी इसके अंदर दी होगी 2 टेबलस्पून कैस्टर शुगर। ठीक है, देखो ये केक टेस्ट तो सब करोगे, टेस्ट करने के बाद अगर आप लोग को लगे या मेरे घर के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मीठा ज़्यादा है, इन दैट केस चीनी 1 चम्मच कम कर देना, या लग रहा है कि बहुत मीठा है अगर बाय चांस किसी को, तो दोनों चम्मच कम कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मिल्क मेड का रेशियो कम नहीं करोगे, क्योंकि शुगर हम कम कर सकते हैं, नॉट फॉर ऑल द रेसिपीज, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेसिपी बिकॉज इसके अंदर, बिकॉज माई मिल्क मेड इज एक्टिंग एज अ बाइंडिंग एजेंट इन दिस रेसिपी। अगर मिल्क मेड कम करा, केक है ना नहीं आपका सही बैठेगा, चीनी कम कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या लिखा है, यू हैव टू बीट इट लिखा हुआ है, आपको इसे बीट करना है। आपने 1 टेबलस्पून ही डाला है इसमें? नहीं, मैंने 2 डाला। देखना बटन नहीं खुला है क्या इसे? अनु अनु स्टूडेंट है, एक चेयर और दे देना और एक रेसिपी वो रखती है, रेसिपी एक दे देना। रेसिपी आप लोग ले लो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आप देखो क्या लिखा हुआ है, एड बटर एसेंस एंड कलर। अच्छा एक चीज़ याद रखना, कोई भी रेसिपी आज की क्लास में आप बटर में बना सकते हो, कोई भी रेसिपी क्लास में ऑयल में बना सकते हो। बटर में जब बनाओगे, वी आर यूजिंग सॉल्टेड बटर, अमूल वाला, ठीक है, सॉल्टेड बटर हम यूज़ कर रहे हैं। इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी सॉल्ट इन योर रेसिपी, बट इफ़ यू आर मेकिंग इट विद द ऑयल, देन यू हैव टू ऐड 1/2 टीस्पून to 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन इट। चुटकी भर नमक कोई भी मीठी चीज़ में विल वर्क एज अ फ्लेवर एनहेंसर, ऐसा नहीं है केक को नमकीन कर देगा, है ना। बेटा आपका नाम बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा मिला, ये हमने करके रखा है।
नेक्स्ट इज वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स शुगर एंड कंडेंस मिल्क. अभी यहां तक हमने किया है, ठीक है, शुगर और कंडेंस मिल्क को हमने बीट किया है. नाउ वी आर एडिंग बटर इन इट. 1/3 कप मेल्टेड बटर दिया हुआ है, तो दिस इज मेल्टेड बटर, ये हम ऐड करेंगे. अगर ये नहीं डाल रहे हो तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं. हाइट वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं होगा, सबको पता है मक्खन वाली चीज जरा टेस्टी ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू ऑयल वाली चीज, बटरी फ्लेवर आता है उसमें. बट ये केक जब फ्रिज में जाता है तो बटर सेट हो जाता है, ऑयल सेट नहीं होता. ऑयल वाली रेसिपीज हमेशा कंपेरेटिवली टू बटर मॉइस्ट ज्यादा होता है, ठीक है. बट वही है कि बच्चे लोग आराम से पता करते हैं कि ये केक जी ऑयल में बना है कि बटर में बना है, अलग उन लोगों को पता चल जाता है ये केक. इफ इट विल बी लाइक यू आर फिनिशिंग योर केक इन अ डे, एक दिन में खत्म कर रहे हो, तो आई वुड प्रेफर मेक योर केक विद द बटर. अगर आप लोग इस तरीके से टी केक बना रहे हो, जी आपने मेरी रेसिपी को 4 टाइम कर दिया कि यार एक बार बना देते हैं, 4-5 दिन की छुट्टी, फ्रिज में रखना है, सो आई प्रेफर टू मेक इट विद द ऑयल, ठीक है. हाँ, दैट लास्ट लॉन्गर, तो बटर वाला भी करेगा. हाँ, दैट मॉइस्ट विल कम. अदरवाइज वैसे भी ये जो टी केक्स होते हैं इनके ऊपर हम आइसिंग नहीं करते हैं, ठीक है. तो खाने से पहले आप लोग ने मार्केट में भी देखा होगा, इफ यू आर, तो वो हल्का सा 30 सेकंड माइक्रोवेव करके ही आपको देते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंदर का अगर बटर पार्ट है तो वो मेल्ट हो ही जाएगा. तो अब ये आपके ऊपर है, किसी किसी को लगता है जी बटर क्यों यूज करना है केक में, तो आप ऑयल यूज करोगे. इन दैट केस जब 1/3 कप ऑयल डालोगे, आप इस रेसिपी में 1/4 टीस्पून नमक ऐड करोगे. वो नमक मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सॉल्टेड बटर है. कितना दिया हुआ है? 1/4 कप. तो ये मैंने जी 1/3 कप इसके अंदर बटर ऐड कर दिया, क्लियर. उसके बाद आपका इसमें देखा है क्या स्टेप, आपके बहुत क्लियर हैं. आप लोग अगर स्टेप को फॉलो करोगे ना, कहीं कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं है आपको रेसिपी में. बटर डाल दिया, उसके बाद पाइनएप्पल केक बना रहे हैं, तो क्या जाएगा? पाइनएप्पल एसेंस. पाइनएप्पल का एसेंस कितना दिया हुआ है आपका? 1 टीस्पून. तो ये 1 टीस्पून मेरा गया जी पाइनएप्पल एसेंस. पाइनएप्पल एसेंस के बाद अगर ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालना. येलो फूड कलर है, वाटर बेस्ड है वाटर बेस्ड डालो, ऑयल बेस्ड है ऑयल बेस्ड डालो, कुछ भी डालो. वाटर बेस्ड डालोगे तो आप डालोगे 1/4 टीस्पून, ऑयल बेस्ड ये जेल बेस्ड कलर है आप डालोगे 1 ड्रॉप, ठीक है. जस्ट आपने ये 1 ड्रॉप डाल, क्लियर. हो गए सारे वेट इंग्रेडिएंट्स. अब देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है, आपका मिल्क कितना दिया हुआ है, उसे काट के 1/4 कप कर दो. जैसा आशीष तुम्हें प्रॉब्लम आई थी ना रेसिपी में, लिक्विड पार्ट जो भी आपकी क्लास में, हर रेसिपी में दूध यूज हो रहा है, ठीक है, जो भी अगर लिक्विड लिखा हुआ है एकदम मत डालो पूरा, थोड़ा सा 1 चम्मच रोक के चलो, क्लियर. हमेशा रोक के चलो. हो सकता है आपने बटर थोड़ा ज्यादा डाल दिया हो सकता है आपने ड्राई फ्लावर जब मेजर कर रहे हो कुछ लोगों के साइड में गिर जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो आप लोग को नहीं उस समय पता चलती कि अच्छा मैंने ये गलती करी है. बाद में आप कहते हो खुशबू लिक्विड तो बैटर तो हमारा बहुत पतला हो गया, ठीक है. तो इसलिए जैसे मेरे मैंने आपको बोला 1/4 कप, ये मेरा 1/4 कप मैंने ये मेजर करके निकाल लिया, ठीक है. अब इसमें 1/8 कप के आसपास मैंने डाल दिया और थोड़ा सा मैंने रोक लिया है, अभी मैं नहीं डालूंगी इसमें. अब इसे करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अवन को प्रीहीट. अवन को प्रीहीट करने का मतलब कम से कम 8-10 मिनट पहले आपका अवन ऑन होना जरूरी है, क्लियर. किनके पास ओटीजी है, किनके पास माइक्रोवेव कन्वेक्शन है? ओटीजी मेरे पास कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन है. चलो इसके बाद कन्वेक्शन पे बनाएंगे, ठीक है. आज की क्लास की सारी बेकिंग होनी है 160 डिग्री पे,
जिनके पास मॉर्फी है वो 160 डिग्री पे काम करेंगे, जिनके पास मॉर्फी के अलावा और कोई भी है वो 170 डिग्री पे करेंगे, ठीक है 170 डिग्री। मॉर्फी हमेशा हाई टेम्परेचर लेता है इसलिए मॉर्फी इज फॉर 160, अदर इज 170 डिग्री, राइट क्लियर। ये मैंने सेट करा 160 डिग्री। बेकिंग का मतलब फॉर केक्स एंड टी केक्स ओनली द लोअर फिलामेंट विल बी ऑन, ठीक है। ये इसमें दो फिलामेंट्स बनी हुई है, सिर्फ लोअर वाली फिलामेंट हमें ऑन करनी है, क्लियर। ब्लैक वाली ट्रे सेंटर रैक में रखनी है, अवन को बंद करना है। बेकिंग टाइम अगर 30 मिनट्स है तो मैंने अवन को अपने 40 मिनट पे सेट करा, क्योंकि 10 मिनट हमारा खाली अवन प्री हीट होगा और उसके बाद हम अपना मोल्ड उसके अंदर रखेंगे। कैन वी डू दैट कि 10 मिनट्स जैसे हैं प्री हीट करते हैं, हम सिर्फ 10 मिनट्स करें तब टिन की आवाज आ जाए, वी कैन टेक इट आउट एंड व्हाट इफ कैन टेक इट आउट। अच्छा इसको तो रख लेंगे, इसको क्यों रखूंगी, खाली अवन हम ऑन कर रहे हैं ना, गर्म है ना। नॉर्मल सा एक हम क्लास में एक छोटे बच्चे ने मुझे एग्जांपल दिया था, मैम वैसे ही ना जैसे रोटी बनाने के लिए तवा गर्म करते हैं ना, हाँ तो वो मुझे उसका एग्जांपल इतना अच्छा लगा, मैं हमेशा क्लास में देती हूँ कि तवे को पहले गर्म करना पड़ेगा ना रोटी पकाने से पहले, ऐसा तो नहीं एक तरफ तवा चढ़ाया एक तरफ रोटी डाल दी उसके ऊपर, ठीक है। वैसे कोई भी गैजेट को उसे काम करवाने के लिए आपको पहले उसे रेडी करना पड़ेगा, क्लियर। गेट बंद करो, गेट खुला हुआ है, सिर्फ लोअर फिलामेंट है, लोअर फिलामेंट विद फैन। बेकिंग में फैन तो हमेशा ही ऑन होता है। किसी किसी ने जैसे मेरे में अलग से बटन दिया हुआ है ये फैन का, ये हमेशा ऑन ही रहता है। किसी किसी में ना ऑटोमेटिकली वो ऑन हो ही जाता है, ऑटोमेटिकली ऑन होता है, आपको करना नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो आपकी ट्रे है, ट्रे की पोजीशनिंग पे भी जब आप ग्रिल करते हो कोई चीज उसके लिए यूज होती है। आप ये देखो ना कोई चीज में नीचे से हीट लग रही है, फिलामेंट नीचे वाला ऑन है, बिकॉज ऑफ फैन वो इक्वली एक्यूमुलेट कर रही है। बट अगर मुझे उस मोल्ड को मुझे चाहिए ऊपर और नीचे का कलर एकदम सेम, तो मुझे कुछ तो बचाना पड़ेगा ना अपने उसे कि डायरेक्टली हीट ना लगे उस पे। कन्वेक्शन में रखना पड़ता है बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। कन्वेक्शन में हमारे पास ऑप्शन, कन्वेक्शन में हीट नीचे से नहीं लगती, कन्वेक्शन में हीट ऊपर से और साइड से लगती है। अब जिनके पास माइक्रोवेव कन्वेक्शन है उन्हें भी दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। कन्वेक्शन आपके पास है ना, कन्वेक्शन के लिए आप क्या करोगे, अनु ऊपर से वो रैक उठाओ जल्दी से फटाफट से। आपके पास वायर रैक सबसे ऊपर, आपके पास इसके साथ दो वायर रैक आई होगी, हाई वन और लो वन। हाई वाली यूज नहीं करनी है, लो वाली रैक आपको लेनी है, ये वाली एक ये आई होगी एक ये आई होगी, यू हैव टू टेक दिस वन, ठीक है। ये रैक प्री हीटिंग के टाइम पे अंदर होनी चाहिए, ये आपने अंदर रखी। कन्वेक्शन मोड प्रेस करा, अभी ये क्या दिखा रहा है 220 डिग्री सेल्सियस, कम करा 170 डिग्री पे आ गया, सेट हो गया 170 डिग्री। अब मैंने टाइमर इसमें लगा दिया 40 मिनट्स और स्टार्ट का बटन दबा दिया। जब ये 30 पे आ जाएगा इट मीन्स मेरा अवन प्री हीट हो गया। अब मैं अपना मोल्ड अंदर रखूँगा, 10 मिनट मिनिमम मुझे अवन को प्रीहीट करना है, उसके बाद अगर होता रहेगा 15 मिनट 20 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंपरेचर विल बी मेंटेन। इसलिए कन्वेक्शन इज आल्सो टेक द सेम टाइम, या सेम टाइम बट सेम फॉर कन्वेक्शन ऑटोमेटिक, मेरे वाले में इट्स ऑटोमेटिक, मतलब हां किसी किसी में प्रीहीट का अलग से बटन होता है तो वो ऑटोमेटिकली 8 से 10 मिनट वो बीप दे देता है, बट उसी टेंपरेचर पे हमें हमेशा प्रीहीट करना होता है जिस टेंपरेचर पे आपको बेक करना है। ऐसा नहीं है प्री हीट के लिए 220 डिग्री पे डाल दिया और जी केक 170 डिग्री पे बेक, क्लियर। और कन्वेक्शन में भी वी कैन यूज दिस थिंग ओनली, हां हां जो भी बेकिंग में जो भी आप उसमें डालोगे वो कन्वेक्शन पे जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई क्वेरी थोड़ी, चलो। सो ये अभी हमने इसके अंदर ये लिक्विड बैटर रेडी हो गया। मिल्क आप देखो ऑल्टरनेटिवली लिखा हुआ है उसमें, लिखा हुआ है तो अब ये डालने के बाद मैंने इसके अंदर आधा ये ड्राई फ्लावर डाला, आधा ड्राई फ्लावर डालने के बाद इसे मैं मिक्स कर दूंगी। हमेशा जब भी एगलेस बेकिंग में वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हो ना, ओवर मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज डेंस केक बन के आता है, ठीक है। बस
बस एक कंबाइन करो, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट. उसके बाद ये जो नेक्स्ट बैच हमारा ये है ड्राई फ्लावर का. हमने कपकेक करते हुए उल्टा किया था, हमने ड्राई में वेट करा था. इसमें कपकेक बनाते हुए हाँ, उसमें हमने ना लिक्विड हमारा कितना था हाँ. देखा था वो बैटर और इस बैटर में कितना डिफरेंस है हाँ. है ना, ये केक का बैटर है, तभी मैंने बोला था कपकेक के बैटर से केक कभी मत ट्राई करना, केक से कपकेक बना सकते हो ठीक है. केक में अगर इतना मॉइस्ट हम उसे रखेंगे ना तो क्या होगा, केक बैठ जाता है नीचे से. अब ये जो एक्स्ट्रा मेरा ये जो बचा हुआ था ना, ये मैंने मिल्क ऐड कर दिया. नहीं कोई भी, कोई भी बेकिंग में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी रेसिपीज के लास्ट पेज पे या कोई भी पेज पे कुछ टिप्स लिखे होंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स. ऑल द इंग्रेडिएंट्स शुड बी एट रूम टेम्परेचर. ये सारे पॉइंट जब आपको टाइम मिलता जाए आप बीच बीच में पढ़ते जाएंगे ठीक है. व्हेनेवर यू फील योर बैटर टू बी लिटिल थिक यू कैन ऐड एक्स्ट्रा 1 to 2 टेबल स्पून मिल्क इन द एंड ठीक है. ये आप ध्यान रखना. इसमें अभी एक चीज़ रह गई डालने के लिए, क्या रह गया, सोडा वाटर रह गया. सोडा वाटर डालने से पहले ये बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है. मतलब अगर सोडा वाटर नहीं होता तो ये थोड़ा थिक बैटर है, इन दैट केस मुझे एक चम्मच के आसपास दूध और डालना पड़ता. बट क्योंकि मुझे अभी सोडा वाटर डालना है ना, इसलिए ये बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है. तो एग्जैक्टली 1/4 कप आपका इसके अंदर दूध गया ठीक है. अब सोडा वाटर भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, कोई भी ले लेना सोडा वाटर. क्लियर. उसके बाद सोडा वाटर देखो कितना लिखा हुआ है, 3 टेबल स्पून दिया हुआ है, टेबल स्पून आराम से डालना 1. ये डालने के बाद आप बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते, यू हैव टू पोर योर बैटर इन दैट टेन और उसे बेक करने के लिए आपको डालना है, क्योंकि सोडा और सोडा वाटर मिलके इसने अपना रिएक्शन करना शुरू कर दिया. जितना टाइम लगाओगे उतना आपका केक डेंस बनेगा ठीक है. एक ट्रे ला के दो वहाँ से वाइट हो गई. अगर रेसिपी में गड़बड़ करिए तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इसको ओवर रिस्किंग नहीं करना, नहीं ओवर रिस्किंग बिल्कुल नहीं करना ठीक है. अब ये बैटर बिल्कुल ठीक कंसिस्टेंसी है, ये ही आपके बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. दिस शुड बी द कंसिस्टेंसी ऑफ योर बैटर, नॉट वेरी फ्री फ्लो, नॉट वेरी थिक, इट शुड बी द कंसिस्टेंसी. ये आपने जो टिन रेडी करा था अपना पाइनएप्पल अपसाइड डाउन के लिए जो आपका लिखा हुआ था, इसके अंदर अब आप ये सब कुछ गया ना, ये बैटर डालोगे और इसे बेक करने के लिए. बेक करने के लिए देखो आपके में लिखा हुआ है 160 डिग्री फॉर 30 to 35 minutes गिवन. अच्छा इसे जब टैप करो ना तो जरा तेजी से टैप मत करना, पता चला ही नीचे से सारे पाइनएप्पल और वो जो मेहनत करी है सब बेकार हो जाएगा. जनरली हम लोग क्या करते हैं, बैटर डालने के बाद टैप कर देते हैं. अब मैंने नीचे इसमें रखा हुआ इसलिए टैप नहीं किया, तो इसे लेवल कर दिया. जब डाला था बैटर सब बैटर बीच में आ गया था ना, साइड में उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे ठीक है. दिस इज डन. अब ये ओवन में जाएगा 30 से 35 मिनट के लिए एट 160 डिग्री सेल्सियस ठीक है. क्लियर हो गया पाइनएप्पल अपसाइड डाउन, वेरी गुड. मुझे पता है ना जब तक वो बेक नहीं होगा मेरा नेक्स्ट केक आ जाएगा उसके लिए जगह. बट अदरवाइज मतलब ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको रैक सेंटर में रखनी है, रैक को नीचे ऊपर नहीं रखना है बस. अब एक बार में इतना बड़ा ओवन है तो एक बार में कभी मैं एक केक थोड़ी ना बनाती हूँ, चार केक जाते हैं इसमें ठीक है. चलो जी
इसमें कोई भी प्रॉब्लम रेसिपी में तो मुझे प्लीज पूछ लो जल्दी से। जो भी ओवन आता है 28 लीटर का आता है, 28 के बाद 40 आता है, 40 के बाद 52 आता है, 52 के बाद 60 आता है। मैंने कहीं यूट्यूब की इसमें वीडियोस में काफी बार देखा है कि मॉर्फी का वन जो 60 लीटर आता है इट इज अ परफेक्ट फॉर बकवास है, बिल्कुल बकवास है। आई एम टेलिंग यू कभी ये मत खरीदने बैठना। मैं हर स्टूडेंट को बोलती हूँ 52 लीटर अच्छा है अगर बड़ा चाहिए तो, मतलब अगर होम पर्पज से चाहिए तो मैं इतना प्रेफर ही नहीं करूँगी। 28 लीटर इज मोर देन इनफ फॉर यू। 28 लीटर, इससे पहले हम जो क्लास करते थे मेरे 28 लीटर ही था, वो मुझे सबसे अच्छा लगता था। छोटा सा बड़ा कॉम्पैक्ट सा कहीं भी आपने एडजस्ट कर लिया उसे, मतलब कोई भी साइज चलेगा। हाँ, दैट रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर मेरे आराम से ये आधी आधी किलो के 4 केक चले जाते हैं, एक एक किलो के 3 केक चले जाते हैं। इतना आपको रिक्वायर्ड है तो लो ना, वरना इलेक्ट्रिसिटी उतनी वो कंज्यूम कर रही है ना। अगर आपका घर के लिए तो 1.5 किलो का केक आई थिंक इज मोर देन इनफ फॉर दैट। यू हैव यू कैन यूज 28 लीटर वाला, 28 लीटर बहुत है उसके लिए। ये जो हमारी सारी रेसिपी है ये हाफ के जी की? नहीं, हाफ के जी तो नहीं है, हाफ के जी 6 इंचेस, हाफ के जी 6 इंचेस। एंड स्पॉन्ज केक और टी केक्स में फर्क होता है, है ना। तो हाफ के जी का जब हम 6 इंच का स्पॉन्ज केक बनाते हैं तो फिर उसे आइसिंग वगैरह करने के बाद इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। टी केक को, टी केक को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपने कितने उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले, क्या डाला, उसके बाद आप उसका वेट करोगे जब बन के आ जाएगा। आइडली 6 इंचेस इज हाफ के जी, 8 इंचेस इज 1 के जी एंड 12 इंचेस इज 2 के जी। 6 इंचेस इज साइज ऑफ योर बोल्ड जो आपने अभी अंदर रखा है, ये 7 इंचेस है, दिस इज 7 इंचेस। 6 इंचेस इज हाफ के जी एंड 8 इंचेस इज 1 के जी। जो आपने अभी उठाया ये वाला साफ एप्पल सिनेमन थोड़ा पॉपुलर होता है तो बस जरा सा हाफ टी स्पून बैटर में ऐड कर देना इफ यू लाइक इट, अगर नहीं पसंद है तो छोड़ दो। हाँ, 7 इंच यू कैन यूज आइदर द 7 इंचेस और यू कैन यूज 8 इंचेस। टी केक्स जो होते हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, आइसिंग वाली केक्स की हाइट बहुत ज्यादा होगी, नहीं बहुत कम फर्क पड़ेगा। अगर इसकी अगर जो हाइट है, अगर ये 1 फिंगर के अप्रॉक्स है 7 इंचेस की, तो जो आपकी वो बनेगा 8 इंचेस वाला वो थोड़ा सा कम हो जाए, इतना सा कम हो जाए, दैट्स इट। जैसे आप ये देखो ना फर्क, ये देखो ये स्प्रिंग फॉर्म जो है दिस इज 8 इंचेस, है ना, ये 8 इंचेस वाला है जो अभी हमने डाला है वो 7 इंचेस है। अभी ये वाला केक तो बनेगा, इतना सा फर्क होगा, ठीक है, बस इतना कम फर्क होगा, इससे ज्यादा कोई अंदर। ये एप्पल सिनेमन में सिनेमन तो ये दालचीनी का, दालचीनी का प्रॉब्लम, ठीक है। कंप्लीट ये वाली रेसिपी। चलो अब मोस्ट पॉपुलर केक पे आते हैं जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है, दैट इज योर डार्क चॉकलेट केक।